हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2023 में जन्माष्टमी का पर्व कब मनाया जाएगा, व्रत कब रखा जाएगा, पूजा और पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन बनने वाले शुभ योग। साथ में जानेंगे रोहिणी नक्षत्र कब रहेगा और जन्माष्टमी का व्रत कब रखा जाएगा। दोस्तों, हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव यानी कि जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि के समय हुआ था। पंचांग के अनुसार इस बार जन्माष्टमी 2 दिन मनाई जाएगी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2023 में जन्माष्टमी का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा और पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन बनने वाले शुभ योग। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। हर साल जन्माष्टमी का त्यौहार 2 दिन मनाया जाता है, एक दिन गृहस्थ जीवन वाले और दूसरे दिन वैष्णव संप्रदाय वाले जन्माष्टमी मनाते हैं। ऐसे में आपको बता दूं कि 6 सितंबर और 7 सितंबर 2 दिन श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा। गृहस्थ जीवन वाले 6 सितंबर को और वैष्णव संप्रदाय के लोग 7 सितंबर को जन्माष्टमी मनाएंगे। 6 सितंबर को भगवान श्री कृष्ण का 5250वां जन्मोत्सव मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि यानी कि रात्रि के 12 बजे मथुरा में हुआ था। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में ये त्यौहार हर साल पूरे देश में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन अपने देश में ही नहीं विदेश में भी भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन भक्त व्रत रखकर पूरे नियम और संयम से भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। हिंदू ग्रंथों के अनुसार कंस के बढ़ रहे अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने जन्माष्टमी के दिन कृष्ण के रूप में 8वां अवतार लिया था। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल यानी कि साल 2023 में जन्माष्टमी 2 दिन 6 सितंबर और 7 सितंबर को मनाई जाएगी। दरअसल इस बार अष्टमी तिथि 6 सितंबर से शुरू होकर के 7 सितंबर तक रहेगी। तो ज्योतिष के अनुसार स्मार्त यानी कि जो स्मार्त जन हैं, सांसारिक नियमों का पालन करने वाले गृहस्थ लोग 6 सितंबर को जन्माष्टमी मनाएंगे और वैष्णव जन उदया तिथि को देखते हुए 6 सितंबर को जन्माष्टमी का व्रत रखेंगे। आइए जानते हैं जन्माष्टमी की तिथि और इस दिन बनने वाले शुभ योग कौन से हैं। दोस्तों, अष्टमी तिथि शुरू होगी 6 सितंबर को दोपहर के 3:37 पर और अष्टमी तिथि समाप्त होगी 7 सितंबर को 4:14 पर। रोहिणी नक्षत्र शुरू होगा 6 सितंबर को सुबह 9:20 पर और रोहिणी नक्षत्र समाप्त होगा 7 सितंबर को 10:25 पर। इस बार 6 सितंबर के दिन हर्षण योग रात्रि के 10:26 तक रहेगा और सर्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन
और रवि योग सुबह के 6:01 से सुबह के 9:20 तक रहेगा। आइए जानते हैं जन्माष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जन्माष्टमी पर शुभ मुहूर्त में पूजा करने से कई गुना ज़्यादा फल प्राप्त होते हैं और पंचांग के अनुसार इस साल 6 सितंबर को जन्माष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त होगा। मध्य रात्रि यानी कि 12:02 से 12:48 तक इस समय रोहिणी नक्षत्र रहेगा। आइए जानते हैं कि जन्माष्टमी व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। पंचांग के अनुसार स्मार्त यानी कि गृहस्थ जीवन वाले 6 सितंबर को जन्माष्टमी व्रत रखेंगे और उनके लिए व्रत का पारण का समय होगा 7 सितंबर को सुबह के 6:09 के बाद। वहीं वैष्णव जन जो 7 सितंबर को व्रत रखेंगे उनके लिए व्रत का पारण का जो समय है वो 8 सितंबर सुबह 6:02 के बाद रहेगा। आइए जानते हैं जन्माष्टमी पूजन की विधि। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के व्रत का संकल्प लें और पूजा स्थल पर लड्डू गोपाल की प्रतिमा और देवकी जी के लिए प्रसूति गृह बनाएं और मध्य रात्रि में लड्डू गोपाल का पंचामृत से अभिषेक करके तिलक लगाएं, वस्त्र आभूषण और पीले फूलों से उनका श्रृंगार करें। इसके बाद उन्हें माखन मिश्री का भोग अर्पित करें और फिर उन्हें झूला झुलाकर आरती करें। अगले दिन व्रत का पारण करके व्रत संपन्न करें। तो इसके बाद आपने अगर भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी का व्रत रखा है तो इस व्रत को आप फलाहार या जलाहार व्रत रख सकते हैं, लेकिन सूर्यास्त से लेकर कृष्ण जन्म तक निर्जल रहना होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। व्रत के दौरान सात्विक रहना चाहिए और शाम की पूजा से पहले एक बार स्नान जरूर करना चाहिए। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण की पूजा में भूल कर भी बासी या मुरझाए हुए फूलों का प्रयोग ना करें। यदि संभव हो तो पूजा में कमल का फूल अवश्य अर्पित करें। इसके अलावा जन्माष्टमी के दिन घर पर गाय या बछड़े की प्रतिमा लाएं, मतलब गाय के बछड़े की प्रतिमा लाएं और भगवान श्री कृष्ण को चांदी की बांसुरी अर्पित करें। इसके अलावा मोर मुकुट, वैजयंती माला, कुंडल, पाजेब, तुलसी दल, इन सब चीज़ों से भगवान का श्रृंगार करें। साथ ही पूजा में उन्हें मक्खन, मिठाई, मेवे, मिश्री और धनिये की पंजीरी का भोग लगाएं। इसके बाद फिर आरती करें। इस तरह से आप भगवान श्री कृष्ण के व्रत के नियमों का पालन करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक आप खुश रहें और स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव। मेरे सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।